खबर कासगंज अमापुर से है, जहां आज दिनांक 22/2/2023 को प्रभार चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संदीप राजपूत की अध्यक्षता में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमापुर कासगंज पर तैनात डेंटल सर्जन डॉक्टर मेघांशु गुप्ता द्वारा मुख एवं दांत रोगों को जांच की गई एवं गुटखा तंबाकू के सेवन के दुष्प्रभाव के बारे में जागरूक किया गया। इस मौके पर मेडिकल कंपनी इमोफार्म द्वारा निःशुल्क टूथपेस्ट वितरित किए गए। इस अवसर पर डॉक्टर संजय सिंह, डॉक्टर अजय यादव, डॉक्टर शिवेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं डॉक्टर मेघांशु गुप्ता, मैं दंत चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र अमापुर से आपको कुछ दांतों की समस्याओं के बारे में और ओरल हाइजीन एवं डेंटल इम्प्लांट के बारे में कुछ बताना चाह रहा हूँ। तो डेंटल इम्प्लांट सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि ओरल हाइजीन क्या होती है, हमको ओरल हाइजीन क्यों मेंटेन करना चाहिए। इसके लिए ओरल हाइजीन जो है इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुंह से ही सारी बीमारियों का शरीर के अंदर प्रवेश होता है। तो उसमें सब और बहुत सारी शारीरिक बीमारियां मुंह देख के ही पता लगाई जा सकती है। क्योंकि भारत में आजकल तंबाकू पान मसाला का सेवन ज़्यादा किया जाता है, जिस प्रकार से ये ओरल हाइजीन लोग अच्छे से मेंटेन नहीं करते और इस वजह से बहुत सारे दंत दांतों के रोग एवं मुख्य रोग होते हैं। इसकी पहल के लिए हम ओरल हाइजीन मेंटेनेंस में टूथपेस्ट और एक प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक एडवाइस करते हैं। टूथपेस्ट सामान्य तौर पर कोई भी हो सकता है और उसको अगर प्रॉपरली ब्रश के साथ गोल गोल घुमा के ब्रशिंग टेक्निक है उसके हिसाब से किया जाए तो वो अच्छा रहता है, ओरल हाइजीन मेंटेन करने में कारगर रहता है। तो इसलिए हमको प्रॉपर अपने किसी नज़दीकी दंत चिकित्सक से या मुख एवं दंत रोग विशेषज्ञ से सलाह के माध्यम से ब्रश करने का सही तरीका जानना चाहिए और उस दिशा में अब हमको ब्रश करना चाहिए। दूसरा टॉपिक है डेंटल इम्प्लांट। तो जब दांत किसी के गिर जाते हैं या दांत निकल जाते हैं तो डेंटल इम्प्लांट्स फिक्स दांतों के बारे में ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिक्स दांत अगर दांत मुंह में ना हो तो दो तरीके के दांत लगाए जाते हैं, एक तो होते हैं निकालने और लगाने वाले दांत, जिसे हम रिमूवेबल डेंचर या रिमूवर पार्शियल डेंचर बोलते हैं, और एक होते हैं फिक्स दांत। तो फिक्स दांत में दो विकल्प है, जैसे कि एक ब्रिज है जिसमें दोनों जो आजू बाजू के दांत हैं उनको काट के और उसके ऊपर ब्रिज लगाया जाता है, और दूसरा विकल्प है कि हम हड्डी में एक होल करके और वहाँ पे टाइटेनियम का स्क्रू डाल के, जिसे हम डेंटल इम्प्लांट बोलते हैं, वो डाला जाए और उसके ऊपर दांत या खोल लगाया जाए। तो ये डेंटल इम्प्लांट है। तो डेंटल इम्प्लांट जो कि अगर दांत ना हो तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है, जैसे कि आदमी सही से चबा नहीं सकता, सही से बोल नहीं पाता, बोलने में उसको परेशानी होती है, मुँह से हवा निकलती है, और अगर सही से चबा नहीं पाता तो उसको सही पोषण नहीं मिलता शारीरिक जो उसको ज़रूरत है, क्योंकि जब चबता अच्छे से वो मेस्टिकेट नहीं करेगा, चबाएगा नहीं, तो वो उसको खाना लगेगा नहीं। तो इसके लिए फिक्स मुंह में दांत होना ज़रूरी है, और यदि किसी के दांत नहीं है तो वो फिक्स दांत एक अच्छा विकल्प है, वो चुन सकते हैं। तो इसी यदि मुंह में एक सामान्य से बीमारी है सेंसिटिविटी, दांतों में ठंडा गर्म लगना, तो दांतों में ठंडा गर्म लगना कि दांत के ऊपर की जो सतह इनेमल जब हट जाती है या किसी कारण से घिसने से दांत में एब्रेशन हो जाता है तो हमको ठंडा गर्म लगने लगता है। तो ठंडा गर्म यदि लगने लगता है तो उसके लिए एक उपाय है, या उसके लिए इलाज नहीं कह सकते, तो एक टेम्परेरी रिलीफ के लिए आप कोई भी टूथपेस्ट जिसमें कि पोटेशियम नाइट्रेट, ट्राइक्लोसैन और या सोडियम मोनोफ्लोरोफॉस्फेट वगैरह अगर साल्ट है तो वो अच्छा कारगर है। कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट अच्छा विकल्प।